शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सो रहे हैं वो मम्मी, अगर एक माँ से उसका उसका बच्चा कोई छीन कर लेकर चला जाए तो इससे बुरा सपना क्या हो सकता है? भगवान ना करे किसी भी माँ को ऐसा दिन देखना पड़े। दादाजी, बंटी, दादी, सब लोग हमारे माँ बाबा बिल्कुल ठीक है। देखिए हम मिठाई भी लाए। अरे देखो सब लोग, हमारी श्रवणी आ गई। क्या बात है, क्या हो गया? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया। इसे छोड़। आओ, आज हम एक खेल खेलेंगे। भूजो तो जाने। हम तो जानते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि तुम जानती हो। जानती हो ना कि हम कौन हैं? भूजो भूजो भूजो, जल्दी से भूजो। हम हैं तुम्हारी ताई जी, तुम्हारे पापा की सबसे चहेती भाभी। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही? बनो मत, हमें सब पता है कि तुम्हें पता है ना? वैसे तुम हो बड़ी पहुंची हुई चीज, यहां तक पहुंच गए, इतना बड़ा राज छुपा लिया वो भी हमसे। पर देखो हमने पता लगा ही ले, तुम उन अंधों के जोड़ों की औलाद हो। तुम्हें हमने और तुम यहाँ थी हमारी नाक के नीचे। तुम क्या सोचती हो? तुम बच जाओगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, ऐसी गलतफहमी तुम्हारे दुश्मनों को भी ना हो। कहाँ है श्रवणी? छोड़ नहीं सकते तुमको। हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। काम करें, मारने की कोशिश किए थे लेकिन मरती कहाँ हूँ। तुम्हारी आंख में सुअर का बाल जो है, अपने माँ बाप के जैसे। आज
क्योंकि ना ही कोई मंदिर है और ना ही कोई भगवान और ना ही तुम्हें आज इस घर में कोई बचाने वाला। ये कौन सी बस है? इसमें बैठ जाते। कौन सी जगह है? हम कहाँ गए? कौन सा शहर है? ये लड़की देख रहे? ये हमें किसी भी हाल में चाहिए और ये कानपुर मरे बचने ना पाए, जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेकर आओ। ओके मैडम, जाओ। आओ चलो सब लोग। कानपुर में ये काम अगर कोई और कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान, गुलाब। हमें तो लगा था कि गुलाबों का स्वागत गुलाबों के हार से होगा, पर यहाँ तो कोई भी ना दिख रहा। हम 6 साल के लिए अंदर का चले गए, लगता है हमें सभी भूल गए। ये तो ना हो सकता। जेल से आजादी मुबारक हो गुलाबों, नया काम है तुम्हारे। पहुंच गए। वो ना हो ये चंद्रा आंटी के ये गुंडे हैं। हमारी फोटो सबको दिखा रहे, इस तरह तो पूरा शहर हमें पहचान लेगा। क्या करें? सिया बेटा, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे किचन में कैसे काम होता है।
यहाँ कोई बच्ची भागते हुए आई है क्या? इस फोटो में जो लड़की है इसको देखा? यहाँ कोई बच्ची बच्ची नहीं है, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। यही कहीं छिपी होगी, ढूंढो, तुम ढूंढो इधर, देखो यही कहीं होगी। यहाँ कोई बच्ची बच्ची नहीं है, हम सब यहाँ अपना काम कर रहे हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। मिली कि नहीं? जैसे नींद आइसक्रीम गिरी थी ना। अंकल अंकल, ये लड़की यहाँ पर है, ढूंढो। सुनो बच्चों, आप में से कोई भी इस घर का खिड़की या दरवाजा खुद नहीं खोलेगा। सिया के नाना नानी डॉक्टर के पास गए हुए हैं, जब वो घर आएंगे तो दरवाजा मैं ही खोलूंगी। और श्रवणी बेटा, आपके कहने पर हम पुलिस के पास तो नहीं गए, लेकिन मुझे पूरी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। मुझे बताओ क्या हुआ है वो? श्रवणी बेटा घबराओ मत, इस घर में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आराम से बताओ क्या हुआ। अरे आपको तो बहुत गहरी चोट आई हुई है, चलो अंदर चलो, मैं आपको लेप लगा देती हूँ। मुझे भूख लगी है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना। सिया इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है, किचन में कुछ खाना बना हुआ होगा, आप जाके अभी के लिए वो खा लो ना। आपको ना मेरे अलावा सब दिखते हैं। अरे सिया, शर्मी बेटा आप ना सिया की फिक्र मत करो, वो उसने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए वो चिड़चिड़ी हो गई है। पहले मैं आपकी इस चोट पर लेप लगा दूँ, उसके बाद आप दोनों के लिए कुछ खाना बना दूंगी, ठीक है? ये दाल सब्जी चावल और रोटी ये सब तो मैं नहीं खाऊंगी। एक काम करती हूँ, पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। हमें माफ कर दीजिए आप, हमारी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई, सिया भी हमारी वजह से गुस्सा हो गई। बेटा ऐसे नहीं बोलते, अभी आपकी मम्मी होती तो वो भी आपके लिए यही करती ना। आप ये बताओ कि वो कौन लोग थे जो आपके पीछे पड़े हुए थे? वो हमारा पीछा कर रहे थे, वो हमारी ताई जी थी। इसमें तो बता रहे कि पिज्जा वाला आ गया, एक काम करती हूँ कि यहीं पे रुक जाती हूँ, जब आ जाएगा तो पिज्जा ले लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटा आपको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने बड़े कदम उठाए। आपके मम्मी पापा को तो आप पे कितना गर्व होता होगा ना। बेटा शायद आपकी माँ की किस्मत की लकीरें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, पर जानती हैं उन्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि उन्होंने आज की तारीख में
एक श्रवण कुमार को जन्म दिया, श्रवणी। आप ना बिल्कुल हमारी माँ की तरह, हमारी माँ भी बहुत प्यारी है। आपने हमें बचाया एकदम सही सलामत, आप अपने घर पर भी लेकर आए थे। धन्यवाद आंटी। आंटी नहीं, मासी। ठीक है, ठीक है। और अब आपकी इस मासी का फर्ज है कि उस चंद्रा को अब आपको छूने भी नहीं देगी। थैंक यू आंटी। बेटा पानी मिलेगा? हम जानते हैं तुम उस होटल वाली के साथ यहाँ पर भाग कर आई हो। छुप लो जितना छुपना है, लेकिन आज तुम्हारा बचना मुश्किल है। बेटा, अब आप अकेले बहुत भाग लें। अब आपकी ये मासी आपको आपके घर गोरखपुर जरूर छुड़वाएंगे, कल ही। चलो अब आप कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना आपको। मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। आंटी, वो मुझे ग्लास नहीं मिला तुम पानी की। आंटी कहाँ चली गई? सिया बेटा, कौन कहाँ चली गई? कौन आया था? बेटा, मैंने आपसे मना किया था ना घर का कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं खोलने के लिए। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, तो मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया और फिर जो डिलीवरी वाली आंटी है तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा, और जब मैं पानी लेके आई तो वहाँ कोई था ही नहीं। बेटा, जब मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? ये हम सबकी भलाई के लिए है। अच्छा चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ जाकर पिज्जा खा लो। शवी, आप भी क्यों नहीं सिया के साथ उसके कमरे में चली जाती हैं? और आप भी पिज्जा खा लीजिएगा, क्यों? चलो अभी जाओ। कल सुबह ही गोरखपुर की टिकट्स करवा लेती हूँ और अभय को भी इस बारे में बता देती हूँ। टिकट तो हम कटवाएंगे और वो भी सीधा ऊपर का। पिछली बार बच गई थी श्रवणी, अब नहीं। अभय सुनिए। हाँ बोलो। एक छोटी सी बच्ची है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। उसे उसके घर पहुंचाना है गोरखपुर। श्रद्धा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है करो, बस मेरी सिया को इन सब से दूर रखो बस। एक काम करती हूँ, एजेंट से बात करके मैं ही टिकट करवा देती हूँ। तुम्हें पता है सिया, खाना बांटने से ना दोस्ती और भी बढ़ती है। अच्छा, पर तुम तो मेरी दोस्त हो ही नहीं। कौन है आप और मेरे घर में इस तरह से घुसे कैसे चली जा रही हैं? वो हम पिज्जा लेकर आए थे मैडम जी, प्यास लगी थी तो आपकी बेटी ने बोला कि किचन से ले लो। अच्छा, आपको देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले भी कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, हम पिज्जा लेकर आते रहते हैं और आपकी बेटी ने तो कई बार मंगाया हमारे यहाँ से, तो देखा ही होगा। अच्छा, पानी के लिए धन्यवाद, चलते। रुको, मेरा सर क्यों घूम रहा है? इतना सारा पिज्जा एक साथ खा लोगी तो फिर सर तो घूमेगा ही ना। मेरी बेटी ने आज पहली बार बाहर से खाना मंगवाया है और मेरी दूसरी बेटी तो
घर के बाहर का खाना खाती भी नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा झूठ सामने आ चुका है। एक बच्चे पे अगर कोई काला साया भी पड़ता है ना, तो सबसे पहले उसकी माँ को एहसास हो जाता है और उसकी रक्षा करने के लिए वो माँ किसी भी हद तक जा सकती है। तुझसे तो अब पुलिस ही निपटेगी। वाह चंद्रा, आज तो हमें तुम्हारों को एक बड़ा इनाम देना पड़ेगा। तुमने अपने काम के लिए हमारी बेल करवाई और हमें उस जहन्नुम से बाहर निकलवाया। पूछो हमें उस कार कोठरी में कौन पहुंचाई। का बात है, एक तीर से दो निशाना। अब तो दोनों तरफ की दुश्मनी निकलेगी गुलाब। बिल्कुल, आज सारा पुराना हिसाब चुकता करेंगे। तुम्हारा इस लड़की श्रवणी के साथ और हमाया सिया के साथ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी गुलाब। श्रद्धा आके बोलो। श्रद्धा 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 आराम से। श्रद्धा क्या हुआ तुम्हें? और सिया कहाँ है? अबे वो गुलाबो लौट आई है। क्या? और चंद्रा दोनों सिया और शमनी को कहीं लेकर चले गए। आज इस सिया को बेच के हम हमारा 6 साल पुराना बदला पूरा कर लेंगे और श्रवणी को मार के हम अपना प्राण पूरा करेंगे। चंद्रा, इको एक ही झटके में खत्म करने से अच्छा इसको तिल तिल के मारो। तुम्हें इको नरक तक पहुंचाना है ना, वहां की तो हम रानी है। चलो ठीक है, सौदा हमारे सामने होगा। ठीक है, तुम अब आराम से पसार के बैठिए, हमारा आदमी आता ही होगा। कितना मजा आया नहीं? कितनी अच्छे से जगराता हुई और कितने सारे लोग भी आए थे। पर एक बात बताएं, हमारे तो पैर दर्द करने लगे हैं। सच, अब तो थक गए। हम भी। का ध्यान नहीं है, एक बार रुपेश को मिलाते हैं। तो पूरी रात बाहर थे और फिर बात भी तो नहीं हो पाई ना उससे इस नाराजगी के बाद। अगर शबनी भी होती ना तो रौनक कुछ और होती। वो तो है। हाँ दादाजी, पर शबनी कैसे आती? उसके सर में दर्द भी तो था, वरना उसका भी बहुत मन था पूजा में आने का। लगता है अभी तक वो सो रही है, वरना कब की उछल कूद करते करते आती और पूछती, दादी कैसा रहा जगराता?
कहाँ रह गई श्रवणी? पिछली रात तो उसे लौट आना था, आज दूसरा दिन है, अभी तक आए क्यों नहीं? एक बार फिर से हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अबे? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था ना, फिर वो इतने सालों के बाद अचानक क्यों आ गई? श्रद्धा होश में आओ, तुम अभी हार नहीं मान सकती, हम सिया को ढूंढ लेंगे। कैसे मिलेगी हमारी सिया? कैसे? उसकी घड़ी, उसकी घड़ी में ट्रैकर है। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने सिया की घड़ी में ट्रैकर लगा दिया था ताकि तुम उसे शहर के बाहर ना ले जा पाओ। मैं हमारी सिया के साथ कभी भी ऐसा नहीं करती। अब लेकिन इस वक्त बच्चों को ढूंढने के लिए ये बिल्कुल ठीक है, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। मिल गया, उनका पता मिल गया। चलो रास्ते से ही पुलिस को फोन कर देंगे। बात करना ठीक नहीं है। अरे रे, हमारे तो आज दिमाग से ही उतर गया। ये दोनों लड़कियों के सिर पर सेब रख के आज जरा निशानेबाजी का मजा लिया जाए। साल हो गए, खैर जंग तो ना लगा, ना गुलाबों की बंदूक पे और ना ही हमारे निशाने पे। वो बच्ची कहाँ भाग गई? सब लोग देखो जल्दी। इस भगोड़े के चक्कर में तो ये चंद्रा हम पे तमतमाएगी। अभय को तो मीटिंग में होना था, फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ है वो। हुआ? कहीं अभय दीदू के साथ तो नहीं, क्योंकि वो भी घर पे नहीं है। उसका फोन साइलेंट पे होगा, और तुम लगाती रहो, सोनिया उठाएगा। हेलो हेलो अभय, कहाँ हो तुम? हाँ सोनिया बोलो। सोनिया स्पीकर पे डालो ना। अब है हमें मीटिंग के लिए देर हो गई है। सोनिया गुलाबो लौट आई है। और हमारी सिया उसके पास है, मैं और श्रद्धा सिया को बचाने जा रहे हैं। गुलाबो फिर वापस लौट आई है। हमारी सिया, हमारे पोती। हाँ, आंटी आंटी मैं पुलिस के पास जाती हूँ, आप शांत हो जाइए, सिया को कुछ नहीं होगा। क्या रहा? चलो चलो। सुनिए आंटी, आप जाओ जल्दी से, आप सिया दी को लेकर आओ, मैं दादी के साथ हूँ यहाँ पे घर पे। हमारी पोती, हमारी सिया का ही वो गुलाब हो, फिर से ना छीन ले। दादी, दादी, दादी! अरे हमें नहीं चाहिए। दादी कोना कोना छान मारो, लड़की हाथ से निकल के नहीं जानी चाहिए, जल्दी करो। हाँ,
का कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर ट्रैकर यही जगह बता रहा है। मतलब सिया भी यही कहीं होनी चाहिए अब। एक काम करते हैं, आप लोग इधर देखिए, हम उधर देखते हैं। जी हाँ। चलो चलो चलिए आ जाओ। अरे कौन मार रहा है? अरे आंखों की कंचे बन गए क्या? ढूंढो जल्दी उसे। चलो कहाँ चली गई दोनों? हो गई उछली कूद, थोड़ा सुस्ता ले गुलाबो, इसका निपटारा करो अब तुम। थैंक यू माता रानी, दादी को होश आ गया। अच्छा वो पापा, हमने सारा काम निपटा दिया, नहीं तो। तनुजा? मम्मी? डॉक्टर साहब, क्या हुआ तनुजा को? क्यों? कुछ नहीं, इनका ब्लड प्रेशर तो ज्यादा ही गिर गया था, इसलिए ये बेहोश हो गई थी। वो तो बच्चे सही समय पर मुझे बुला लाई है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। टेंशन की बात नहीं है, अभी ठीक है। थैंक यू सानवी बेटा। ध्यान रखिएगा इनका। हमारी पोती, हमारी सिया अभी गुलाबों के साथ होगी। हे भगवान। आंटी जी, अभय पुलिस को लेकर सिया को बचाने गए, आप बस भरोसा रखिए कि इस बार गुलाबो सिया को कुछ नहीं कर पाएगी। मारो। ए, मारो उसको।
देखो किसको पकड़ो, इसको मार दे। चाहती हो कि कोई और मर जाए तुम्हारी वजह से? बोलो। जब से मंदिर से आए हैं अपनी पंखुड़ी से ठीक से मिल ही नहीं पाए, वो भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। डार्लिंग हम आ रहे हैं। हमारी कुलदेवी का मंदिर ना बहुत पुराना है। हमारे घर में जब भी कुछ अच्छा होता है ना, हम लोग वहीं जाते हैं माथा टेकने। थोड़ा दूर तो है, अब देखो ना, रात भर जागकर हम लोगों ने जगराता किया और सुबह के निकले, अब जाकर पहुंचे। वैसे सच्ची बताएं, मैं तुम्हें बहुत याद किया। अच्छा, क्यों? वीरेन भी तो था वहां पे। मजाक कर। वीरेन, वीरेन। हाँ जी, हाँ जी। हुआ? हमने चंद्रा को किया था फोन, ये पता करने के लिए कि वो निकली कि नहीं। हाँ, ये उसका तो फोन नहीं लग रहा है। तुम्हारी अम्मा को फोन किए थे हम। हाँ? तो बता रहे थे कि तुम्हारे भाऊजी तो एकदम ठीक ठीक है, मतलब उनको सांप फाप ने तो काटा नहीं। हाँ? और वो दूसरे गांव गए हुए। तो चंद्रा ने हमसे झूठ काहे बोला? छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिया, तुम किस सोच में पड़ी? इसको बचाने के चक्कर में अपनी बेटी को मरवाना चाहती हो? हाँ, एक बार पहले भी मुझे ऐसे ही एक शर्त का सामना करना पड़ा था। सिया ले ले और सानवी दे दे। नहीं, मैं सिया के बदले सानवी की कुर्बानी नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी मैंने एक बच्चे की जान बचाने की खातिर दूसरे बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाला था। तुम्हारी मर्जी, क्या करूं शर्मी? मार दो इसको। नहीं, 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 प्लीज। देखिए शिदम सी, हमको जान दीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो फिर चलकर इधर आओ। नहीं शमी, रुक जाओ। जानते थे कि तुम किसी और को बलि नहीं चढ़ने दोगे अपने कारण। मैंने तो इसे अपना दोस्त भी नहीं माना, और ये मुझे बचाने के लिए इन गंदी डेंजर आंटी के पास आ रही है। शमी, मत करो ऐसा, रुक जाओ। शमी, नीचे झुको। कहाँ भागोगी? गिरफ्तार करो उन सबको। इनके अलावा और कोई है क्या जिन्होंने बच्चों को किडनैप किया था? इंस्पेक्टर साहब, यार कोई नहीं। चलो, ले चलो इन सबको। शतनी बेटा, आपने ऐसा क्यों किया? इन्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि चंद्रा आंटी अभी जेल जाए। अगर ये जेल चली गई ना, तो हम अपने माँ बापा को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। शतनी बेटा, आप करना क्या चाहते हो? हम सोच रहे थे कि हम गोरखपुर वापस चले जाए। पर देखिए,
आप चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे, वो हमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनके इसलिए सबके सामने लाना चाहते, अपने माँ बाबा की खोई हुई इज्जत को वापस लौटाना चाहते, अपने माँ बाबा को निर्दोष साबित करना चाहते, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम ये होने नहीं देंगे। ये चुनौती है हमारी तुमको। हमें आपकी चुनौती मंजूर है, सिर्फ 21 दिन में अगर हमने आपका पर्दाफाश नहीं किया ना, तो फिर हम ठाकुर हवेली छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे वापस। दिए 21 दिन, देखते हैं कि पहले तुम हमारा पर्दाफाश करती हो या हम तुम्हारी हिम्मत तोड़ते हैं। हिम्मत तो हमारी उसी दिन आ गई थी जिस दिन हम मौत के मुंह से आए थे। ऐसी गलतफहमी तुम्हारे दुश्मनों को भी ना हो श्रावणी। 21 दिन, या तो तुम हमें हमारे घर से बाहर निकालोगी या तो खुद घर छोड़कर जाओगी। चंद्रा, याद रखना, श्रवणी अब अकेली नहीं है और मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। अगर तुमने इसे जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो याद रखना पुलिस तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारा हिसाब भी चुकाएंगे श्रद्धा, लेकिन पहले इस श्रवणी से निपट ले। रहो मेरी बच्ची से। 6 साल पहले भी तुमने मेरी सिया के बदले उस लड़की को चुना था ना, मुझे लगा तुम बदल गई हो, तुम्हें सिया की फिक्र है और मैं गलत हूं। आज के बाद मेरी सिया से दूर रहना हमेशा। श्रद्धा ना पहले गलत थी और ना आज गलत। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब अपने बारे में पहले सोचते हैं, उसने अपनों के बारे में सोचा, सिया और श्रावणी को बचाया। श्रद्धा गलत हो ही नहीं सकती, बल्कि वो तो सबसे सही है। राहुल जी प्लीज बता दीजिए, लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करें, ना कि दूसरों की जिंदगी में टिप्पणियां करें। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।